Good morning, students, once again. So, we have learned the addition by two ways till now. Addition with pictures and addition on number line. So, today we will do the addition with the third way, that is the vertical addition. Basically, addition with numbers. जब हम numbers को लिखे addition करते हैं, वो हम आज हम सीखेंगे. Okay? Here, in the above line, how many leaves I have drawn? I have drawn two leaves. So, what I am writing? Two. What is this sign? Plus sign. Okay? Plus sign. And how many leaves I have drawn here? Only one. Two plus one. टू प्लस वन. यहाँ पे हम एडिशन आपको शो कर रहे हैं पिक्चर्स से. मैं आपको दोनों तरीके से यहाँ पे बता रही हूँ. एंड यहाँ पे मैं एडिशन में नंबर से कर रही हूँ. ओके, तो अब यहाँ पे हम टोटल हमारे लीफ कितने हो गए? वन टू थ्री. जब हम पिक्चर्स से हम एडिशन करते हैं तो हम टोटल पिक्चर्स काउंट कर लेते हैं. वन टू थ्री. So here the number of leaves are three. Now here two and one. How can we do addition with numbers? अगर हम picture draw करने का time नहीं है तो हम कैसे करेंगे? We can do addition with our fingers. We have how many fingers do we have, kids? We have 10 fingers, right? So सबसे पहले आप ने जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है आप उसको अपने माइंड में रखो. कीप दैट इन योर माइंड. नंबर टू. नंबर टू में आपने कितने नंबर ऐड करने हैं? ओनली नंबर वन. सो दीज आर व्हाट? टू. एंड इफ यू विल ऐड वन मोर फिंगर, थ्री फिंगर्स. वन टू एंड थ्री. सो यू कैन डू एडिशन विद नंबर्स, एडिशन विद फिंगर्स ऑल्सो. और या आप फिंगर्स के साथ कर सकते हैं या आप माइंड में अपनी फॉरवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं कि आपने अपने माइंड में टू नंबर याद रखा एंड द नेक्स्ट नंबर इज थ्री. तो टू के आगे आपने कितनी काउंटिंग करनी है? सिर्फ एक काउंटिंग करनी है. सो टू के आगे एक काउंटिंग करी, टू के बाद क्या आता है? थ्री. सो थ्री इज द आंसर. लेट्स डू दिस विथ वन एग्जाम्पल. सो टू प्लस वन इक्वल्स थ्री. Now let's do addition of 4 plus 3. Okay? So you keep one number in your mind. You can keep any number. आप दोनों में से कोई भी number एक mind में रख सकते हो. But better होगा कि अगर आप ऊपर वाला number आप एक fixed rule बना के रखो कि ऊपर वाला number fixed है 4 मैं mind में रखूंगा और उसमें 3 add करूंगा. So 4 is in your mind. तो अब आपको कितनी फिंगर्स ऐड करनी है 4 में? आगे कितना जाना है? सिर्फ 3 स्टेप्स जाना है. तो आप 3 फिंगर्स लो और आगे 4 के आगे वाली काउंटिंग करो. 4 के बाद क्या आता है? 5. 5, 6, 7. तो क्या आ गया? 5, 6, 7. 4 के बाद कितनी फिंगर्स उठानी थी आपको? 3. और आपको काउंट करके क्या आया? 7. सिमिलरली सपोज यहां पे 2 प्लस 5. अब मैम तो हमेशा क्या करती है? ऊपर वाला नंबर अपने माइंड में फिक्स्ड रख लेती है. ठीक है, सो 2 इज फिक्स्ड इन माय माइंड. एंड नाउ हाउ मेनी फिंगर्स आई हैव टू यूज? आई हैव टू यूज 5 फिंगर्स. तो मैं अब किसके आगे नंबर्स काउंट करना शुरू करूंगी? 2 के आगे. 2 के आगे क्या आता है? 3 आता है ना. So 3, 4, 5, 6,
7. So 2 plus 5 equals 7. अब इसका भी आंसर 7 आ गया हम दोनों का. So let's take one more example. 5 plus 4. We will keep 5 in our mind. And how many fingers? We have to take 4. हमें 4 steps आगे जाना है number 5 के. So these are the 4 fingers. 5 के आगे कौन सा next number कौन सा होता है? 6, 7, 8, 9. Simple है? Number 5 is in your mind. And how many steps you will go ahead? 4 steps. 6, 7, 8, 9. Okay. So this is all with the addition in today's class. If you still have any doubts, you can ask on the group. Thank you.